फॉर्मल लैटर मीनस किसी हाई अथॉरिटी में जो आप लैटर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट के मैनेजर को लिखना हो जिन्हों आप ना जानते हो। सो पहला यही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैटर थोड़ा आनी चाहिए कि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि लैटर किसी टाइप का है। सो फॉर्मल लैटर में क्या होता है, ये किसी अननोन परसन को लिखना होता है। अननोन परसन मीनस थोड़ा ये भी ना पता हो उस रेस्टोरेंट का या फिर जज जिन्हों तुम लैटर लिख रहे हो मेल आ कि फीमेल आ, उत्थे लगता है फॉर्मल लैटर। ठीक है, तो फॉर्मल लैटर का बस यही रूल होंगे कि फॉर्मल वर्ड्स यूज करने होंगे, थोड़े आप जिमें आई वॉना गौना यहोजे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते गे, तो रिस्पैक्टफुल वे दे लैटर लिखना होंगे। ठीक है, फॉर्मल लैटर के फॉर्मल लैटर का फॉर्मेट तिना का ही सेम होंगे, बस थोड़ा जहा ही फर्क होंगे, वो ही फर्क आप एक्सप्लेन कर लगे। फॉर्मल लैटर की स्टार्टिंग करनी है सैल्यूटेशंस तो, सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स मतलब जिमें आप स्टार्ट करते होंगे डीयर सर और मैडम कॉमा। ठीक है, मतलब कि ग्रीटिंग्स के स्टार्ट दे विच डियर सर और मैडम यही पहचान है कि फॉर्मल लैटर दी कि आपां नूं पता ही नहीं सर है कि मैडम तो आप दोनों ही लिखना कि कोई मर्जी होया उत्थे। ठीक है, बस इतों ये बहुत ज़्यादा नंबर होंगे कि डियर सर और मैडम, इतों उन्होंने क्लीयर हो जाओ कि हाँ बच्चे नूं पता है कि फॉर्मल लैटर कहड़ा है, एक बॉक्स टिक हो जाएगा थोड़ा लग गया पता सैल्यूटेशंस। उस तो बाद विच एक लाइन छड़नी है, स्पेस छड़ देनी है, स्पेस छड़न तो बाद विच तुसी लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ परपस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ परपस वो वाला पर्टिकुलर लैटर तुसी क्यों लिख रहे हो। स्टेटमेंट ऑफ परपस विच दो चीज़ा लिखी दी है, हू कि आप कौन प्लस वाई कि आप लैटर क्यों लिख रहे हैं। फॉर्मल विच ही लिखांगे हू कि असी कौन हाँ, क्योंकि वो भी जिन्होंने आप नहीं जानते वह कहड़ा आपको जानता होगा, आपको थोड़ा बहुत दसदा कि मैं कौन हाँ तो वाला लैटर मैं क्यों लिखना। ठीक है, इनफॉर्मल विच तो नहीं दसने की लोड़, हाँ जी चाचा मैं थोड़ा भतीजा बोलदा या मैं तेरा फ्रेंड हाँ, इदा लिखने की लोड़ नहीं पैंती। सिर्फ फॉर्मल दे विच ही लिखना होंदा हू, उहदे विच सिर्फ आप कुछ भी नहीं लिखते ना हू ना वाई, सिर्फ फॉर्मल आ जिहदे विच आप हू लिखना होंदा ते वाई लिखना होंदा, लग गया पता स्टेटमेंट ऑफ परपस। बाकी आप डिटेल विच भी थर्ड चीज़ आ जाते हैं डिटेल्स, थर्ड चीज़ आ जाती डिटेल्स। डिटेल्स मीनस जिहड़ा थोनू क्वेश्चन पूछा है, वन टू थ्री, थ्री क्वेश्चन होंगे ना क्यू कार्ड वांगू सब पॉइंट्स जिहड़े बुलेट पॉइंट्स पूछे गए उन्होंने सारे के आंसर तुसी थ्री शॉर्ट पैराग्राफ्स में देने हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बी पी वन दे विच, फिर एक लाइन छड़ देनी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी पी टू दे विच, फिर एक लाइन छड़ देनी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी पी थ्री दे विच। पर ये थोड़ी मर्जी है, तीन बी पी बनाने या फिर एक लोंग पैराग्राफ बनाना, पर प्रेफरेंस ज़्यादा शॉर्ट पैराग्राफ्स में दी जाती कि जिन्ने क्वेश्चन उन्नी बी पी बना देना। ठीक है, बी पी थ्री तो बाद विच फिर एक होर लाइन, एक लाइन होर, एक लाइन छड़ोगे बी पी थ्री तो बाद विच, एक लाइन छड़न तो बाद विच लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट कि तुसी ये लैटर लिखी है तो तुसी उन्हां तो की उम्मीद करते हो, वो वाली चीज़ आ जाऊगी ये विच, इन्हूं क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बोल देंगे। तो लास्ट में आती फेयरवेल, फेयरवेल मतलब जिवें तुसी लिख देने हो। एक चीज़ का ख्याल रखियो जी, जिवें एफ फॉर फॉर्मल है ना, तो यदि फेयरवेल फॉर्मल लैटर की स्टार्ट होगी योर्स फेथफुली, बस ये रट्टा लाने का तरीका कि फॉर्मल की एंड इतों ही करना फेथफुली तो। ठीक है, फिर अपना नाम लिख दियो जो तुसी कि तुसी कौन है। दैट्स इट। क्वेश्चन है, एन ओल्ड कार वॉज लेफ्ट ऑन द स्ट्रीट नियर योर स्ट्रीट सेवरल वीक्स एगो, द कार इज नाउ कॉजिंग अ प्रॉब्लम फॉर रेजिडेंट्स, राइट अ लैटर टू द काउंसिल, इन योर लैटर डिस्क्राइब द कार, आउटलाइन द प्रॉब्लम्स इट इज कॉजिंग, टेल द काउंसिल वट यू वॉन्ट दैम टू डू अबाउट इट। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछे है कि एक कार आ जो स्ट्रीट के उपर पुरानी कार वैसे ही खड़ी हुई है थोड़ी स्ट्रीट के कुछ क हफ्तों तो, द कार इज नाउ कॉजिंग अ प्रॉब्लम फॉर रेजिडेंट्स, पर ये वाली कार हम उतों के रहने वाले लोगों वास्ते कोई प्रॉब्लम कॉज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो तुसी लैटर लिखोगे काउंसिल को। इतों क्लीयर हो गया ना कि आपां नूं नहीं पता ये लैटर किदे तक पहुँचना है, कि जेंडर की है परसन का, किहड़े परसन तक पहुँचना, आपां नूं उहदा नाम भी नहीं पता, तो यह हो गया फॉर्मल लैटर। तो फस्ट स्टैप की है आइडेंटिफाई कर लोगे तुसी, फिर डिस्क्राइब द कार, थोड़ा कार नूं डिस्क्राइब करोगे कि किहड़ी कार आ, दैन आउटलाइन द प्रॉब्लम्स इट इज़ कॉजिंग, बी पी टू के प्रॉब्लम्स दसोंगे कि केड़ियाँ केड़ियाँ क्रिएट कर रही है, थर्ड के तुसी की चाहते हैं कि की हल हो गए इस प्रॉब्लम का। ठीक है, चलो लैट्स सी द आंसर विशु। फस्ट आ गए सैल्यूटेशंस या फिर ग्रीटिंग्स, डियर सर और मैडम वो लिख देंगे आप, फिर एक लाइन छड़ के
स्टार्ट करांगे हू यू आर कि तुसी कौन हो दसोगे जिवें आई एम द रेजिडेंट ऑफ ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी दस दिता उन्होंने दैन वाई यू आर राइटिंग दिस लैटर तो लिखोगे आई एम राइटिंग दिस लैटर टू कंप्लेन अबाउट अ कार विच इज़ पार्कड इन द स्ट्रीट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स कि पिछले कुछ हफ्तों तो जिहड़ी कार सारी स्ट्रीट विच खड़ी हुई है उहदे बारे कंप्लेन करना चाहते हैं लग गया पता ओके दैन लीव वन लाइन एक लाइन छड़ के फस्ट क्वेश्चन की सीगा की सीगा हाँ डिस्क्राइब द कार ये कुछ होर नहीं लिखना सिर्फ कार ही डिस्क्राइब करनी है तो कार कुछ भी लिख सकते इट इज़ द वाइट वर्ना कार ऑफ मॉडल 1.4 इट्स नंबर प्लेट इज़ मिसिंग एंड द टायर्स आर पंक्चर्ड कार एक्सप्लेन कर दी आप बस सिर्फ टू सेंटेंसिस में उस तो बी पी वन कंप्लीट हो गया फिर बी पी वन तो बाद एक लाइन छड़ के बी पी टू के क्वेश्चन सेगा प्रॉब्लम्स इट इज़ कॉजिंग कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं केवलियाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द रेजिडेंट्स कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फर्स्ट वन इज़ दैट इट इज़ कवरिंग अ लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस विच कैन बी अदरवाइज यूटिलाइज बाय द डेलीजेंस ऑफ द एरिया कि काफ़ी पार्किंग स्पेस घेर के रखी हुई है जिड़ी कि उतों के नेबर्स जो साडे स्ट्रीट के लोग आ वाले यूज़ कर सकते सके वो जगह घेर के रखी हुई है फर्स्ट प्रॉब्लम ये कर देंगे सैकेंड मोर ओवर द प्लेस ऑन विच दिस मोटर इज़ पार्कड इज़ वेरी नैरो कि जिड़ी जगह पर खड़ी हुई है बहुत भीड़ी गली है नैरो स्ट्रीट आ सो द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया नीड टू चूज डिफरेंट रूट टू रीच सुपर मार्केट कि जो उन्होंने सुपर मार्केट जाना होंगे है तो उन्होंने होर कोई गली चूज करनी पैंती है क्योंकि इस गली विच भी नहीं लगे आता हो गई प्रॉब्लम्स डिस्कस फिर एक लाइन कि आप उन्होंने पूछा कि तुम की चाहते हैं कि एक्शन लैन काउंसिल्स आई वुड रिक्वेस्ट द काउंसिल टू रिमूव द वहीकल फ्रॉम दैट प्लेस एज सून एज पॉसीबल एंड टेक द नसैसरी एक्शन अगेंस्ट द ओनर कि आप लास्ट में कहेंगे कि असी काउंसिल में रिक्वेस्ट कर दी हाँ मैं कि वहीकल में जिनी छेती हो सके इतों रिमूव कर दें कोई नसैसरी एक्शन उन्होंने अगेंस्ट लिया जाए सो लास्ट के आजगा अपना एक लाइन छड़न तो बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट तुसी लिखोगे आई लुक फॉरवर्ड टू हीयरिंग फ्रॉम यू सून कि जेड़े भी कंप्लेंट्स जिथे तुसी शिकायत कर रहे हो फॉर्मल लैटर में तो वह एंड बस इतने कर दोगे आई लुक फॉरवर्ड टू हीयरिंग फ्रॉम यू सून उस तो फेयरवेल लास्ट या जो फेयरवेल फेयरवेल लिए कि वर्ड यूज़ करोगे तुम योर्स फेथफुली फिर एक लाइन छड़ के अपना नाम लिख दोगे ठीक है दैट्स